गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट की जो मैंने अमेजोन से खरीदे हैं, एंड ऑल्सो दीज प्रोडक्ट गिव योर होम अ वेरी एस्थेटिक वैल्यू। अगर आप थोड़े से भी क्रिएटिव पर्सन हैं या आपको अपने घर को चेंज करना, उसे ब्यूटीफुली डेकोरेट करना बहुत पसंद है, तो आई मस्ट से दैट दीज प्रोडक्ट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड ऑल्सो द बेस्ट पार्ट इज कि ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत रिजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हैं, एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी गुड। तो चलो एक एक करके मैं आपसे शेयर करती हूँ। इन सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो एंड यू कैन बजट देम। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितना हो शेयर। सो द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव इज दिस वुडन टेबल। तो अब आप पूछोगे ये टेबल कहाँ से होगी। सो इट्स अ बेस ऑफ दैट टेबल। और अगर आप इसके टेक्सचर की बात करो तो टेक्सचर बहुत स्मूथ है और एक मार्बल फिनिश देता है। बात करें अगर इसके स्टैंड की तो इसमें आपको तीन ये होल बने हुए दिखेंगे, एंड इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इसके स्टैंड इसमें फिट हो जाता है। इस बेस के साथ आपको मिलते हैं ये तीन वुडन स्टैंड, और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है इसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हल्का क्रीम कलर का स्टैंड है ये आपको ब्लैक कलर में भी मिल जाएगा। सो इट वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड बने हुए ऐसे कट बने हुए हैं जिसको आपको अपने टॉप बेस में ऐसे फिट करना है। इस तीनों स्टैंड को फिट करने के बाद ये आपके टेबल को अच्छी खासी हाइट प्रोवाइड करता है। एंड अगर इसके स्ट्रेंथ की बात की जाए, अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ तो स्ट्रेंथ में मैं इसको 8/10 दूंगी। और ये काफ़ी स्टेबल है, आप इस पर अपना कोई डेकोरेटिव प्लांट या फिर कुछ भी रख करके इसको डेकोरेट कर सकते। ऑल्सो इट कैन बी यूज एज अ स्मॉल कॉफी टेबल। जो सेकंड प्रोडक्ट है वो मैं अपनी पहली वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। द सेकंड प्रोडक्ट इज दिस वुडन ट्रे, और ये बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ आया था। इसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ट्रे एज डेकोरेटिंग ट्रे फॉर योर सेंटर टेबल, और उसके अलावा अगर आप इसको सर्विंग ट्रे की तरह यूज़ करना चाहते हो तो भी यूज़ कर सकते हो। बट क्योंकि ये एक वुडन टेबल है सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप इसे यूज कर रहे हो फॉर एज अ सर्विंग ट्रे। इस टेबल में पीछे ये तीन रबर के पैड्स लगे हुए हैं, तो जब भी आप इसको किसी भी बेस पे प्लेस करते हैं तो ये इधर उधर हिलती नहीं है, ये अपनी जगह पे प्रॉपरली स्टिक हो जाती है, और इसकी वजह से कोई भी जो आइटम आप इस पे रख रहे हो वो डिस्प्लेस नहीं होगा। अगर इसके वेट की बात करूँ तो एक अच्छा खासा वेट है, और जो वुडन मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है। और मैं इसको यूज़ करती हूँ एज अ डेकोरेटिव ट्रे फॉर माई सेंटर टेबल। आप इसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो। इसका प्राइस 200 से 300 के बीच में था। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट मुझे इसकी पॉलिशिंग, इसका जो सरफेस है, इसके जो रबर पैड्स हैं, ओवरऑल क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, सो आई प्रेफर दिस वन। ये है वो थर्ड आइटम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली ये एक छोटा सा सिरामिक वास है जो कि जग के शेप में है। आप इस पर कोई भी छोटे प्लांट, लाइव प्लांट, ग्रीन प्लांट या कोई भी आर्टिफिशियल प्लांट इसमें, या कोई भी आर्टिफिशियल ग्रास डाल करके इसको डेकोरेट कर सकते हो। इट्स प्राइस वॉज 398 रुपीज, एंड आई थिंक क्वालिटी वाइज ये प्राइस काफ़ी रिजनेबल है। साइज भी इसकी अच्छी है, ये ना तो बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। अगर आप इसको कहीं भी रखोगे तो ये आपके घर को एक एस्थेटिक वाइब देगा, और ये आपके घर को एक काफ़ी क्लासी लुक भी देगा।
है वो फोर्थ आइटम जिसकी मैं बात कर रही थी. इट्स नॉट अ कारपेट, इट्स अ रग. और अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये एक ब्रांड से मैंने परचेज किया, जिस ब्रांड का नाम है होमाडोन. होमाडोन ऐसी ब्रांड है जो आपको फर्निशिंग के काफ़ी सारे आइटम प्रोवाइड करती है, इंक्लूडेड कारपेट, रग्स, मैट्स एट्सेट्रा. इस मैट की जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. और सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मेरे लिए मैट सबसे ज़्यादा यूज़फुल इसलिए है, मैं सबसे पहले कारपेट यूज़ करती थी अपने सेंटर टेबल को प्लेस करने के लिए. बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरा बेबी अभी छोटा है तो वो बार बार गंदा हो जाता है, और इस मौसम में उसको बार बार वॉश करके प्रॉपरली ड्राई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ समथिंग जो ईजी टू वॉश हो और जिसको मैं ईजिली मैनेज कर सकूँ. सो आई गॉट दिस ब्यूटिफुल रग्स फ्रॉम होमाडोन. ये हैंड वोवन रग्स है इसलिए आपको इसमें ज़्यादा फिनिशिंग मिलती है. ऑल्सो कोई भी थ्रेड्स निकले हुए नहीं है, एक ब्यूटिफुल सा पैटर्न बना हुआ है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटिफुल कलर्स ऑल्सो, डिफरेंट कलर्स और ऑफ वाइट कलर मिला करके इसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनाते हैं. इसका प्राइस उस टाइम पे 1538 था. प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है बट दिस प्राइस इज़ वर्थ इट. और इसका जो डायमेंशन है वो 4x6 feet है. डायमेंशन वाइज भी काफ़ी अच्छा रग है ये. और इसको प्लेस करने के बाद योर होम बिकम वेरी वेरी ब्यूटीफुल, दैट प्लेस बिकम वेरी वेरी ब्यूटीफुल. सो दिस वीडियो वॉज फॉर टुडे. आई बाय दीज फोर प्रोडक्ट एंड आई लव ऑल दीज प्रोडक्ट एंड आई लव शेयर ऑल दीज प्रोडक्ट विद ऑल ऑफ यू. चलो कैसे लगे आपको ये प्रोडक्ट ये जरूर बताना. एंड नेक्स्ट शॉपिंग वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.